हेलो गाइस, आई एम अरिजीत दास, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत दास फोटोग्राफी। दोस्तों आज कुछ फोटोशूट की बिहाइंड सीन नहीं दिखाने वाले, ना कुछ ट्यूटोरियल्स बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा एंड छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सेसरीज है जिसको हम अनबॉक्सिंग करने वाले। तो दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले गोडॉक्स का AK-R1 किट, जो फिलहाल आप लोग काफी सारों ने इसको देखा है बट हाँ यूज नहीं किया है। जो कि आता है, जो राउंडेड फ्लैश आता है गोडॉक्स का, जैसे कि V1, ठीक है, V1 गोडॉक्स का एक ही फ्लैश आता है राउंडेड, और जो V1 इसी का सबसे इंपॉर्टेंट किट है AK-R1। तो इसी का चल वो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये एक्चुअली मैंने 1 महीने पहले खरीदे थे, तो आज मेरा 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है इसको यूज़ करने में, तो मुझे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी हो चुका है। ये सारा कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को इसीलिए हम बना रहे हैं कि ये आप लोगों को खरीदना इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं, इधर ऑरेंज कलर का बहुत ही अच्छा एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। तो एक एक करके बात करते हैं बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स के ऊपर जो लिखा है वह गोडॉक्स का, इधर ब्रांडिंग दिया हुआ है, इधर AK-R1 मॉडल का नाम जो है इधर लिखा हुआ है, एंड इधर है गोडॉक्स का ब्रांडिंग दिया है, यहाँ पर भी AK-R1 मॉडल का नाम लिखा है। और एक बात बताना भूल चुका हूँ मैंने, तो दोस्तों ये जो AD200 का साथ भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बट AD200 के साथ यूज़ तभी कर पाएंगे जब आप लोग AD200 मतलब हेड के लिए एक अलग सा हेड मिलता है, ठीक है, राउंड हेड मिलता है, उसी का साथ उसी को खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप लोग ये सारा किट आप लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वो बाद में बात करेंगे, इधर भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड इधर एक्चुअली लिखा हुआ है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो मैं और एक बार बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर एक्चुअल में क्या क्या है, तो फिर हम लोग प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या क्या है। बॉक्स के अंदर है एक डोम डिफ्यूज़र है, एक डिफ्यूज़र प्लेट है, एंड एक 4-विंग रिफ्लेक्टर है, एक बाउंस कार्ड भी है, एक हनी कॉम्प है जो ग्रिड बोलता है उसको, कुछ कलर जेल है, एंड एक छोटा सा स्नूट भी है, एंड पोर्टेबल बैग है। तो चलिए ये बात करके हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बॉक्स खोलते हैं, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या है। पर अच्छा, बहुत ही अच्छा एक छोटा सा बैग है, फिर पहले इसको साइड कर देते हैं। तो ये जो बैग आप लोग देख रहे हैं, कैरिंग बैग, छोटा सा एक पोर्टेबल बैग है, बहुत अच्छा बैग है, शायद मुझे तो बेहद पसंद है इस बैग को। छोटा सा ये एक्चुअली बैग जो है, ये मैंने जब यूज़ किया है तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कैमरा बैग हम लोग यूज़ करते हैं, कैमरा बैग में ये पूरा बैग आराम से घुस जाता है, कोई भी पार्टीशन में आराम से घुस जाता है। एंड इधर एक छोटा सा ये है, बेल्ट के साथ ये आराम से कैरी भी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अनबॉक्स, इसको भी ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर वो जो सारा चीज़ें हैं। तो चलिए इसको इस बैग को खोलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसा दिखता है, ठीक है। ये चेन जो है बहुत स्मूथ है, तो बॉक्स खोलने के बाद अंदर से इस तरह का दिखता है। तो अंदर से इस तरह का दिखता है, एंड बॉक्स दोनों पार्टीशन कर दिया है कंपनी ने। तो इधर जो है एक छोटा सा नेट दिया हुआ है, इसी के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो एक करके एक्सेसरीज निकलते हैं, बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये जो चीज़ दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो ये जो लाइट बाउंस करने का इसको बाउंस कार्ड बोलते हैं, ये बाउंस कार्ड है, लाइट बाउंस करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बाउंस कार्ड। तो फिलहाल इसको अभी साइड में करते हैं, बाद में दिखाते हैं ये कहाँ लगता है, एग्जैक्टली कैसे लगता है, ठीक है। तो एंड इधर एक कार्ड दिया हुआ है, QA पास बोलकर कुछ लिखा है, एंड ये स्लीका जेल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही, कुछ इसको भी साइड में कर देते हैं। तो इधर बहुत सारा सर्कल जैसा कुछ चीज़ें दिया हुआ है, ये एक्चुअली कलर जेल है, पहले जो हम यूज़ करते थे वो सिलिकॉन पेपर, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्लास्टिक का है कलर जेल, ये बहुत एक्सेसरीज है जो बैकपैक के साथ आप लोग फोटोग्राफी करते उस काम में ये आता है, सिलिकॉन बहुत सारा कलर का आता है, ऑरेंज, ये ग्रीन कलर का है, इधर एक वाइट कलर का है, ये भी एक कुछ ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो चलिए इसी को सारा, और एक भी वाइट कलर का दिया हुआ है, इसको भी सारा चीज़ें साइड में करते हैं। तो इधर जो चीज़ मिलता है, तो सबसे ऊपर आता है ये राउंड सा एक चीज़, इसको कहते हैं डोम डिफ्यूज़र, ठीक है।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये लाइफ सॉफ्ट करने का काम करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बॉक्स के ऊपर। तो ये कैसे लगता है ये भी दिखा देते हैं, राउंडेड फ्लैश के ऊपर कैसे लगता है। ये जो छोटा छोटा चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं ये एक्चुअली मैग्नेट है, ठीक है। तो जो राउंडेड फ्लैश आता है V1 उसी का ऊपर लगता है, बट दिखने में आप लोगों को बहुत ही छोटा लग रहा है शायद ये छोटा छोटा मैग्नेट कितना पावरफुल होगा नहीं, बट ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कैसे लगता है। तो ये V1 फ्लैश है, इसी का ऊपर ये ऐसे लग जाता है। तो यही है, तो इसको साइड में करते हैं अभी। एंड ये जो चीज आप लोग देख पा रहे हैं ये है स्नोट, ठीक है। बहुत छोटा सा है बट बहुत यूजफुल तो नहीं है, मैंने काफी सारा टाइम यूज भी किया है, बट मुझे इतना पसंद तो नहीं है सच में, क्योंकि छोटा सा है तो अच्छे से लाइट का बीम नहीं कर पाता ये स्नोट है। ये भी ये कैसा लगता है ये बाद में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इधर बहुत सारे रिंग जैसा आप लोग को दिख रहा है, तो ये क्या क्या है इसको बारे में बात करते हैं। तो सबसे ऊपर जो रिंग आता है ये एक्चुअली जो रिंग है ये फ्लैश के ऊपर ही लगता है, एंड ये बाउंस कार्ड लगाने के लिए रिंग स्पेशली बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि हम बाद में दिखाते हैं, तो ये एक्चुअली ऐसा लगता है, इसी का ऊपर एक थ्रेड दिया हुआ है एंड ये थ्रेड जाकर ऐसे चिपक जाता है इसके ऊपर, एंड ये फ्लैश के ऊपर आराम से ऐसा लग जाता है, तब जाकर आप लोग ऐसे यूज कर पाएंगे लाइट को बाउंस करके। मैं दिखा देता हूं एक मिनट, ऐसे ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है ये एक छोटा सा रिंग, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस मैग्नेट के ऊपर जो भी मैग्नेटिक चीजें हैं, जो जो मैग्नेटिक एक्सेसरीज है ये इसी का ऊपर लगते हैं, जैसे कि ये डोम डिफ्यूजर है ये इसके ऊपर लगेगा, देन आप लोग जो कैमरा सॉरी फ्लैशेस है फ्लैश के ऊपर ही आराम से फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब ये आराम से जाकर आप बाउंस कर पाएंगे, डोम डिफ्यूजर का आप लोग यूज भी कर पाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो ये फिलहाल मैं अभी मैग्नेटिक रिंग लगा के रखते हैं, इसी के ऊपर दिखा देंगे क्योंकि कैसे लगता है ये सारा चीज़ें। तो आता है ये जो चीज़ है ये है डिफ्यूज़र प्लेट, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है ये एक्चुअली लाइट सारी तरह मतलब लाइट फेंकने का काम करते हैं, ठीक है, स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो ये जो इधर ये एक्चुअली ये फिक्स्ड है, जो क्रिस्टल प्लेट है ये इधर मैग्नेट रिंग के साथ फिक्स्ड है। ये आप लोग चाहे तो मैग्नेटिक फ्लैश के ऊपर भी लगा पाएंगे आराम से ऐसे, ठीक है। अगर नहीं और फिलहाल ये रिंग लगा हुआ है तो भी इसके ऊपर आराम से ये फिट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्रिस्टल प्लेट बोलता है शायद। तो ये जो छोटा सा चीज दिख रहा है आप लोगों को ये हनीकॉम्ब बोलता है, हनीकॉम्ब भी बोलता है और ग्रिड भी बोलता है, ठीक है। ये एक्चुअली लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, ठीक। तो इसको भी ऐसे लग जाता है, तो इसी को लगाकर भी ऐसे लाइट और भी एक मिनट लाइट ऐसे कॉन्सेंट्रेट होता है, इसी का काम एक्चुअली यही है। तो लास्ट में जो चीज़ आप लोगों को दिख रहा है ये एक्चुअली विंग रिफ्लेक्टर कहते हैं इसे, ये फोर विंग रिफ्लेक्टर है। फिलहाल इतना तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मुझे लगता है इतना ये इंडोर फोटोशूट के टाइम ही ज़्यादा यूज़ में आता है। ये भी ये राउंडेड फ्लैश के ऊपर लग जाता है ऐसे, ठीक है। ये आप लोग फोल्ड भी कर पाएंगे लाइट के डायरेक्शन करने के लिए किधर ऐसे ऐसे करके विंग को। तो और कुछ है नहीं ज़्यादा बॉक्स के अंदर। फिलहाल मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया था, ये जो स्नोट है स्नोट को कैसे लगता है फ्लैश के ऊपर, स्नोट को ऐसे लगता है कुछ इसके ऊपर कोई रिंग इसके ऊपर अंदर कोई भी मैग्नेट नहीं है, ये एक्चुअली रबर का है तो ये आराम से फ्लैश के ऊपर फिट हो जाता है। तो फिलहाल गाइस बॉक्स के अंदर ये सारा चीज़ें इतना सारा ही चीज़ है, बट मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है एक डोम डिफ्यूज़र, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और ये बाउंस कार्ड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हर टाइम जो वेडिंग फोटोग्राफर है ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेडिंग फोटोग्राफर के लिए, एंड यही दोनों हम सबसे ज़्यादा लगता है। एंड ये जो कलर जेल है, ठीक है, बहुत अच्छा कलर जेल है ये एक्चुअल में लाइट का जो कलर जेल आप लोग यूज़ करेंगे उसी तरह ही लाइट मिलता है, ये बहुत अच्छा लगा ये भी। एंड ये जो सारा चीज़ें हैं ये ग्रिड ये डिफ्यूज़र प्लेट ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, बट ये भी काम में आता है अगर आप लोग चाहते हैं कुछ क्रिएटिव कुछ करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है तब। तो और कुछ नहीं है फिलहाल, तो चलिए
तो ये सारा चीजों के ऊपर कुछ अच्छे भी है, कुछ मुझे पसंद भी नहीं लगा। कुछ चीजें अच्छा तो लगा ही, ज्यादा अच्छा लगा, बट कुछ कुछ चीज मुझे पसंद भी नहीं आया। जैसे कि एक प्रॉब्लम शायद जो यूज करते हैं उन लोगों को तो है, पता है, बट जो आप लोगों को बता दूं, खरीदने के पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर के लिए इस तरह का प्रॉब्लम होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है। जैसे कि ये जब रिंग के साथ कुछ कोई भी एसेसरीज आप लगाएंगे फ्लैश के ऊपर, ठीक है, तो ये अच्छे कोई हल्का सा धक्का लग जाता है तो ये खुल जाता है। मैग्नेट तो आराम से चिपक जाता है इसके ऊपर, ठीक है, देख आप लोग देख पा रहे हैं, मैग्नेट आराम से ऐसे छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएगा, बट इसके ऊपर कोई भी चीज़ें लगाएंगे तो अच्छे से जोर से धक्का लग गया तो ये ऐसे करके खुल जाएगा, ठीक है। एक बात भी दिखा देते हैं, ये जो बाउंस कार्ड ऐसे लगता है, बाउंस कार्ड भी उतना अच्छा नहीं है, आराम से हो जाता है, बट इधर भी कोई धक्का लग गया तो खुल चुका है। तो यही है, तो चलिए अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इस चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ ही साथ बगल में आए बेल आइकन को भी दबा देना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।